Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is serializability. Serializability जो है डेटाबेस के अंदर ट्रांजेक्शन के टॉपिक की अगर हम बात करें तो उसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सीरियलाइजेबिलिटी. और स्पेशली जो लोग गेट की, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो तो लोग स्पेशली इस टॉपिक को बिल्कुल भी छोड़ के मत जाएं, बिकॉज यहाँ से सबसे ज्यादा चांसेस हैं क्वेश्चंस आने के. और बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. एक्चुअल में सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब क्या है? सीरियलाइजेबल मतलब क्या एक शेड्यूल हैज अ एबिलिटी टू बिकम अ सीरियलाइजेबल. मतलब मेरे पास एक शेड्यूल गिवन है. शेड्यूल क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ट्रांजेक्शन. मतलब मेरे पास काफी सारी ट्रांजेक्शन हैं, उनको मिला के एक शेड्यूल बना है. उस शेड्यूल को क्या मैं सीरियलाइजेबल बना सकता हूँ? क्या मैं उस शेड्यूल को सीरियल बना सकता हूँ? दिस इज द टॉपिक. तो अगर मैं बात करूं, एक शेड्यूल है जिसके अंदर दो ट्रांजेक्शन है, T1 एंड T2. शेड्यूल के अंदर दो ट्रांजेक्शन है, T1 एंड T2. और T1 में अगर मैं लिख दूं, लेट से रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, अगर मैं इस तरीके से अगर लिख दूं, तो ये शेड्यूल आपको सिर्फ पहले डायग्राम से मतलब देख के चेक करना है कि क्या ये लग रहा है आपको पैरलर या सीरियल शेड्यूल लग रहा है. ये सीरियल शेड्यूल है बिकॉज इसमें T1 पहले खत्म होगा, उसके बाद T2 स्टार्ट होगा और खत्म होगा. मतलब इसको हम अगर ग्राफिकल वे से रिप्रेजेंट करें तो ग्राफ में हम कैसे बना सकते हैं? हमने इसकी प्रोसेसिंग बनानी है. मतलब कितने ट्रांजेक्शन्स हैं? दो, T1 एंड T2. तो मैंने दो वर्टेक्स बना दिए. सबसे पहले स्टार्ट कौन सा हुआ? T1. और खत्म कौन सा हुआ? T1. उसके बाद हम किस पे गए? जब ये कंप्लीट हो गया, देन वी मूव टू T2. तो मैं इसको इस तरीके से डिनोट कर सकता हूं. तो ये क्या एक सिंपल प्रेसिडेंस ग्राफ बनाया हमने इस सीरियल शेड्यूल का. और इस सीरियल शेड्यूल का मतलब क्या है कि T1 कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद T2 कंप्लीट होगा. इसी को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं. अगर मैं बोलूं कि दो ट्रांजेक्शंस हैं T1 एंड T2, ऐसे भी तो हो सकता है कि पहले T1 खत्म हो जाए और फिर बाद में पहले T2 खत्म हो जाए और फिर बाद में T1. अब देखो ये शेड्यूल देखने में क्या लग रहा है, सीरियल या पैरलर? अगेन ये शेड्यूल देखने में सीरियल ही लग रहा है, और ये एक्चुअल में सीरियल शेड्यूल ही है. तो सीरियल शेड्यूल मतलब कि पहले T2 कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद T1. तो अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो T1 एंड T2, बट T2 पहले कंप्लीट हुआ, उसके बाद T1 कंप्लीट हुआ. तो चाहे आप ऐसे देख लो, चाहे आप ऐसे देख लो, ये दोनों कौन से शेड्यूल हैं? सीरियल शेड्यूल है, क्योंकि इसमें पहले ट्रांजेक्शन चल रही है, फिर कंप्लीट हो रही है, उसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो रही है, बीच में इंटरलीविंग नहीं है. तो इन शेड्यूल्स को सीरियलाइजेबल किया जा सकता है? इनको सीरियलाइजेबल करने की जरूरत ही क्या है? ये तो ऑलरेडी सीरियल शेड्यूल है, ये भी सीरियल है और ये भी सीरियल है. तो सीरियल शेड्यूल को सीरियलाइजेबल नहीं किया जा सकता, वो तो ऑलरेडी सीरियल ही है. हमने हमेशा क्वेश्चन में क्या दिया होगा? पैरेलल शेड्यूल. मतलब आपको दिया होगा इस तरीके से कि एक T1 है और एक T2 है, दो ट्रांजेक्शन्स हैं किसी शेड्यूल के अंदर. रीड ऑफ ए, लेट्स से रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, दिस T1 एंड T2, रीड ऑफ ए, रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, रीड ऑफ ए. अब इस शेड्यूल को देखने में आपको क्या लग रहा है, ये सीरियल है या पैरलर है? इट इज अ पैरलर शेड्यूल. रीजन, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो पहले स्टार्ट कहां से हुआ? T1. T1 से हम गए T2 पे, तो T1 से हमने स्टार्ट किया, हम गए T2 पे और T2 को थोड़ा कंप्लीट किया हमने यहां पे, रीड ऑफ ए, राइट ऑफ ए, हम दोबारा किस पे आए? T1 पे आए. तो यहां पे एक लूप बनेगा. जब भी पैरेलल शेड्यूल दिया होगा तो वहां पे क्या बनेगा? लूप. अब इस क्वेश्चन को देख के, इस पूरे शेड्यूल को देख के आपको पता लगाना है कि क्या ये शेड्यूल सीरियलाइजेबल है या नहीं. सीरियलाइजेबल है या नहीं, सीरियलाइजेबल पता लगाने का मतलब क्या है? अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में आपको बोलूं तो इस पैरेलल शेड्यूल का एक क्लोन ढूंढ है. एक क्लोन मतलब इसका एक क्लोन ढूंढो, वो सीरियलाइजेबल होना चाहिए. मतलब वो एक सीरियल शेड्यूल होना चाहिए. तो हमने अगर इसको सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे?
सीरियल शेड्यूल में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम इस पैरेलल शेड्यूल को T1 goes to T2 में कन्वर्ट कर दें, और T2 goes to T1 में कन्वर्ट कर दें। मतलब अगर मैं इस राइट ए को यहां लिख दूं तो ये T1 goes to T2 बन जाएगा, या फिर अगर मैं रीड ए राइट ए को यहां लिख दूं तो ये, या फिर रीड ए और राइट ए को ऊपर लिख के रीड ए को नीचे लिख दूं तो ये क्या बन जाएगा, T2 goes to T1। तो ये एक पैरेलल शेड्यूल है। पैरेलल शेड्यूल को आपको सीरियलाइजेबल चेक करने के लिए आपको क्या चेक करना है कि क्या इसके इक्विवेलेंट कोई सीरियल शेड्यूल एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। तो उस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं सीरियलाइजेबिलिटी। और सीरियलाइजेबिलिटी के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, एक है कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल और एक है व्यू सीरियलाइजेबल। कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल एंड व्यू सीरियलाइजेबल। आप कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल मेथड को यूज कर सकते हो, उससे हमें पता लगेगा कि क्या हम इसका सीरियलाइजेबल शेड्यूल बना सकते हैं या नहीं। और एक व्यू सीरियलाइजेबल मेथड है। इन दो मेथड्स को हम यूज करेंगे और किसी भी पैरेलल शेड्यूल के अंदर हम चेक करेंगे कि क्या वो सीरियलाइजेबल बन सकता है या नहीं बन सकता। तो पहला पॉइंट आप हमेशा याद रखना, जब भी सीरियलाइजेबिलिटी दी होगी, कोई क्वेश्चन दिया होगा, आपको कभी भी सीरियल शेड्यूल नहीं दिया होगा, आपको हमेशा दिया होगा पैरेलल शेड्यूल, और उस पैरेलल शेड्यूल के इक्विवेलेंट आपको एक सीरियल शेड्यूल फाइंड आउट करना है। तो वो सीरियल शेड्यूल क्या हो सकता है, लाइक T1 goes to T2 या फिर T2 goes to T1। अगर दो ट्रांजेक्शन है, अगर हम बात करें तीन ट्रांजेक्शन है, लेट से कि हमारे पास एक शेड्यूल है S, उसके अंदर तीन ट्रांजेक्शन हैं T1 T2 एंड T3 T1 T2 एंड T3। अब T1 T2 एंड T3 आपको दिया क्या होगा, पैरेलल, लेट से रीड ऑफ ए राइट ऑफ ए, राइट ऑफ ए, लेट से रीड ऑफ बी राइट ऑफ बी, कुछ भी इस तरीके से आपको कुछ पैरेलल शेड्यूल दिया होगा। इस पैरेलल शेड्यूल को जो आपको दिखने में पैरेलल लग रहा है, इसको हम सीरियलाइजेबल कर सकते हैं नहीं, मतलब इसके इक्विवेलेंट मुझे क्या ढूंढना है, सीरियल शेड्यूल ढूंढना है। तो उसके लिए हम इन दोनों मेथड्स को यूज करते हैं। तो इसको अगर हम सीरियल बनाएंगे तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, सीरियल बनाने का मतलब क्या है कि पहले T1 फिर T2 और फिर T3, या फिर पहले T1 फिर T3 फिर T2, या फिर T2 T3 T1, या फिर T2 T1 T3, या फिर T3 T1 T2 एंड लास्ट इज T3 T2 एंड T1। तो ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। आउट ऑफ दीज 6 पॉसिबिलिटी अगर मैं इस शेड्यूल को कन्वर्ट कर दूं और इन एक पॉसिबिलिटी में ले आऊं तो हम बोल सकते हैं इसको कि यस इट इज अ सीरियलाइजेबल। ये 6 वैल्यूज क्यों आई, बिकॉज 3 वैल्यूज हैं, यहां पे हमारे पास 3 ट्रांजैक्शंस हैं, तो 3 फैक्टोरियल आपको फाइंड आउट करना है। तो 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 6। तो हमारे पास ये 6 पॉसिबिलिटीज हैं। आउट ऑफ दीज 6 आपको अगर किसी के भी इक्विवेलेंट ले आते हो, मतलब कि अगर आपको यहां पे देखने में जरूर ये पैरेलल लग रहा है, लेकिन अगर हम इसको सीरियल बनाना चाहते हैं तो इन 6 पॉसिबिलिटीज में से किसी भी एक पॉसिबिलिटी को ट्रू करना पड़ेगा। तो इस चीज को करने के लिए हमारे पास दो मेथड है, कॉन्फ्लिक्ट एंड व्यू। तो आपको सिर्फ ओवरव्यू देना था यहां पे कि सीरियलाइजेबिलिटी होता क्या है। सिंपल हमेशा याद रखना, सीरियलाइजेबिलिटी का मतलब है एक पैरेलल शेड्यूल है, उसका एक क्लोन ढूंढना है, वो सीरियल होना चाहिए। दैट इज द पॉइंट। एक पैरेलल का क्लोन ढूंढना है, वो एक सीरियल होना चाहिए। करते कैसे हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे। थैंक यू।